الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء ما من أحب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों पर्दा नशी मार बहनों स्टेज पर तशरीफ फरमा मोहतरम उलमाए किराम खुसूसन हज़रत मौलाना अब्दुल वहाब साहब शमसी जो इस मजलिस की सदारत फरमा रहे हैं, मैं बहुत थोड़े वक्त के लिए आपके सामने आया हूँ, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं एक बात कहा करता हूँ कि इस मजमे का तीन हिस्सा हुआ करता है। एक हिस्सा तो सामने वाला होते हैं, दूसरे हिस्सा जो माइक पर होता है, और तीसरा हिस्सा जो उलमाए किराम फिक्रमंद हजरात स्टेज पर होते हैं। इन तीनों को मिला करके मजमूई तौर पर जो कारगुजारी आती है उसका नाम जलसा है। और फिर जो हजरात माइक पर होते हैं उनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला जरूरत की बातों को डालता है, फिर उसकी जुबान से निकलवाता है इनकी जो है तलब से। जब इस मजमे के अंदर तलब होगा, तलब के साथ ये बैठ जाए कि परवरदिगारे आलम हमारी ज़रूरत की बात स्टेज से कहलवा दीजिए, और इस तबका में जब फिक्र होगी कि परवरदिगारे आलम हम सबको अल्लाह ताला ने फिक्रमंद बनाया है, हम सबको अल्लाह ताला ने सरदार बनाया है, जिम्मेदार बनाया है, जब इनकी फिक्रें मरकूज हो जाएगी और ये मिन जानिबिल्लाह लग जाएंगे अपनी फिक्र के साथ, और इनका तलब भी अल्लाह के जानिब हो जाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला मजमे के मुताबिक मुकर्रर से बातें उतरवा देता है। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि जो लोग स्टेज पर बैठे हैं वो फिक्रमंद रहा करें, और जो लोग आगे बैठे हैं ये तलब लेकर के बैठे कि परवरदिगार आलम हमारी जरूरत को आप अता फरमा दिए, और बाअदब बन करके बैठे। ये अदब नहीं है कि नौजवान कुर्सी पर बैठ जाए। हाँ, एक आध आदमी जो माजूर है उनके लिए कुर्सियां हैं, ये सबसे बड़ी बेअदबी है कि हमने अपने बच्चे को अदब नहीं सिखाया। अगर कोई वहां बड़े आदमी बैठे हो तो उनको बतानी चाहिए कि बच्चे आगे बढ़ो, तुम्हें कुछ सीखना है, तुम्हें कुछ पढ़ना है, और तुम्हें सिख पढ़ करके जमाना में जिंदगी गुजारना है। अब कोई नौजवान तो होंगे, बच्चे नहीं होंगे, शायद ये लोग माजूर होंगे, और अगर मेरे मोहतरम है ये हजरात अगर कोई उज्र ना हो तो मैं गुजारिश करता हूँ कि मजमा में आप आकर के चार चांद लगा दीजिए। जाइए नहीं हजरत, चार चांद कुछ नहीं कहिए, नहीं कहिए, मेरी दरखास्त अगर कबूल किए तो ठीक है, वरना जिस हालत में ठीक है। और आप हजरात जरा टोली टोली जो बने हुए हैं हल्का हल्का खिसकिए थोड़ा सा, ईमानदारी से मैं देखूंगा कौन खिसक रहे हैं। चचा उधर मत देखिए, आप खिसकिए ना, वो चश्मा वाले चचा, यहाँ आप ही को मैं कह रहा हूँ, थोड़ा खिसकिए। मजमा को मजमा बनाइए, मजमा को भाई किसी को कोई मत कहेगा, अपनी जात से बढ़ेंगे इंसान, अपनी जात से, कोई किसी को मत कहो। अब मैं थोड़ा एक चंद कलिमात गुनगुनाता हूँ,
मेरी आदत है कि मैं भी बोलूं और आप भी बोलें, तो फिर जो है सुनने में भी एनर्जी आती है, जिसमें भी चुस्ती होती है और लोग सोचते हैं कि हम भी कुछ कहे हैं। क्या बोलता है? हस्बी रब्बी जल्लल्ला माफी तलेबी गैरुल्ला। गैरुल्ला तो आसानी से बोल सकते हैं सब आदमी। बोलिए तो एक बार जोर से गैरुल्ला, फिर बोलिए पगड़ी वाले चचा आप भी बोलिए गैरुल्ला, गैरुल्ला। अच्छा ईमानदारी से स्टेज वाले बताइए कि सारे आदमी ने फुल एनर्जी के साथ बोला है? अगर इतने आदमी मिल करके जरा मीडियम आवाज निकाल दे, हाँ औसत दर्जे की आवाज निकाल दे, तो जितना बाजार में है वो दौड़े दौड़े आएगा कि कुछ मिल रहा है, चलो। हस्बे रब्बे जल्लल्ला माफी कलेबी गैरुल्ला। बाजार तक आपकी आवाज गई, मैं वहां तक पहुंचवाना चाहता हूं ताकि वो ललचा करके भागे। जी जी हस्बे रब्बे जल्लल्ला माफी कलेबी गैरुल्ला। अब आवाज कुछ काम भर निकली, पूरी नहीं निकली, क्योंकि जब तक के ये जो बीच में बैठा हुआ नौजवान हंस रहा है, ये जब तक के हाथ उठा करके जोर से नहीं बोलेगा, क्योंकि ये बीच में है, बगल वाला कोई नहीं बोलेगा। प्यारे मोहम्मद सल्लल्ला। चचा आपको क्या हो गया था? सल्लल्ला दिले दिल कह दिए, जरा जुबान से कहते ना चादर वाले चचा। प्यारे मोहम्मद सल्लल्ला। ए चारो चलो इधर, चलो इधर, शरारत कर रहा, उठो वहां से, चारो उठो, गपास्टिंग दे रहा है, चलो अंदर आओ, चलो अंदर, ओ रुमाल वाले आइए अंदर आइए, लाज का है लगता है, दुल्हा बनना है कि नहीं बनना है, चलो अंदर आओ, जरा आप भी सिमटिए, नौजवानों जरा समेटिए, हम इधर आ जाए, इधर दोनों मोहरा बराबर रखना चाहते हैं, दोनों मोहरा बराबर हो। जो हजरात वहाँ खड़े हुए हैं छोड़ दीजिए, आपसे दरखास्त कर रहे हैं तशरीफ ले आए, पिंडाल में आ जाए सभी, हाँ। आ जाए पिंडाल में। प्यारे मोहम्मद सल्लल्ला। हदीसे पाक में आता है कि जब नबी का नाम लिया जाए तो तुम कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे मोहम्मद सल्लल्ला सल्ले वो सल्ले में या अल्लाह। ये 12 बजे रात में अल्लाह को पुकारिएगा, छप्पर फाड़ के अल्लाह दे देगा अगर कबूल कर लिया तो। सल्ले वो सल्लीम या अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मजमा झूमे जरा सा, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। मशवरा ऊपर आके कीजिए, आपका मशवरा डिस्टर्ब कर रहा है, ऊपर आइए, साइड में बोलिए ला इलाहा इल्लल्ला। आगे लगा दे हस्ती में, फूंक दे सब कुछ मस्ती में, कहता रह तू हरी बस्ती में ला अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातु सलाम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों से कहा कि सजदा करो,
फरिश्तों के दिल में तो कुछ था नहीं, ओ लोगों जरा सुनो, फरिश्तों के दिल में तो कुछ था नहीं, ना उनके पास आन था, ना शान था, ना बान था, ना खानदान था। आज हम आन में, बान में, शान में, खानदान में बर्बाद हैं। खानदान वाला कहता है मेरे खानदान में छोटा मोटा भोज नहीं होता है, कहा ये खानदान इसके अंदर घुसा हुआ है। आने वाले ने कहा कि फला कुंबा के लोग वो हमारे सामने बोल देंगे, जिसको जिंदगी भर हम दबा के रखेंगे वो हमारे कुंबा के बारे में ये जुबान और ये चाल चल सकता है, हम तो उसे मिटा डालेंगे। आन वाले, खानदान वाले, शान वाले, चौधरी के बेटा है, मंजन का बेटा है, कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मेरे बाप दादा ने चौधराहट की है और आज हमसे चौधराहट छीनी जाएगी, लेकिन वो देखता नहीं है कि मेरे बाप को लोगों ने चौधरी तो बनाया था, मंजन तो बनाया था, सरपंच तो बनाया था, उनके अंदर कौन कौन सी खूबी पाई जा रही थी, आज तो खूबियों का फुकदान हमसे है, सिर्फ जो है नाम का हम रह चुके हैं फला के बेटा, इससे क्या होने जाने का। मैंने कहा था आग लगा दे हस्ती में, क्या बोला था मैंने भाई, आग लगा दे हस्ती में, फूंक दे सब कुछ मस्ती में, कहता रह तू हर पस्ती में, ला इलाहा इल्लल्लाह, सब कुछ करने वाली जात अल्लाह की, बनाने वाली जात अल्लाह की, बिगाड़ने वाली जात अल्लाह की, दरिया को चलाने वाली जात अल्लाह की, दरिया को रोकने वाली जात अल्लाह की, छुरी में काटने की ताकत